तो गाइस इस वीडियो का टॉपिक है कि अपने ड्रोन को सेफ कैसे करें। तो गुड मॉर्निंग जानी, कैसे हो आप सब? मैं हूं आपका सैंगी सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिल्ली राजकल पे। तो गाइस आज थोड़ा सा उदास हूं और बहुत ज़्यादा उदास हूं, क्योंकि मेरा मैविक प्रो जो मेरा ड्रोन था वो क्रैश हो चुका है। कल रात एक शूट था गुड़गांव में DLF में, तो वहाँ पर ये क्रैश हो चुका है बहुत बुरी तरह। पिक्चर्स यहाँ पर आ रही होंगी आसपास, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसकी पूरी बॉडी डैमेज हो चुकी है, जो है देख रहे हो आप, ये सारी चीज़ें डैमेज हो चुकी हैं, ये सब टूट चुका है। क्योंकि ये मेरे ख्याल से 350 फीट ऊपर से ही गिरा है, वो और ज़्यादा ऊपर होगा, आई डोंट नो, इतना पता नहीं था। ये देखिए गाइस, ये पूरा साइड से भी डैमेज हुआ पड़ा है पूरा का पूरा। इसमें अगर आपको महसूस नहीं हो रहा होगा तो फोटो में भी आपको महसूस हो जाएगा। मुझे थोड़ा सा डर है कि इसका गिम्बल पार्ट खराब ना हुआ हो, क्योंकि अगर जो गिम्बल पार्ट खराब हुआ तो इसमें खर्चा और ज़्यादा आ सकता है। अगर गिम्बल पार्ट ठीक हुआ तो मेरे पैसे बच जाएंगे। और गाइस की बैटरी भी डैमेज हो चुकी है, देखिए बैटरी पूरी तरह से टूट चुकी है। और तो गाइस इस वीडियो का मेन टॉपिक है कि अपने ड्रोन को सेफ कैसे करें, ठीक है। तो मैं कुछ आपको मेन टिप्स बताऊंगा, थोड़ा स्टूडियो पे गौर मत करना ब्रो, क्योंकि एक्चुअली अभी स्टूडियो मैंने बंद कर रखा है, ये घर के अंदर ही सेटअप स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी घर पे POP वगैरह हुई नहीं है, तो उसका काम चल रहा है, तो जैसी होती है फिर दोबारा से सिस्टम रहेंगे। ये मेरा वो नया iMac है जो मैंने अभी परचेज किया है, और ये मेरा पुराना मैकबुक प्रो जो मैं यूज़ करता था, अभी काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा था, 2-3 साल से। और ये अभी मैं नया M1 चिप वाला है। तो गाइज इसका भी अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने डाला नहीं है, बट डालूंगा कल परसों के अंदर, मतलब कोशिश ये रहेगी जल्द से जल्द डालूँ, क्योंकि एडिटिंग पे बैठने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो गाइज मैं आपको टिप्स बताता हूँ कि अपने ड्रोन को सेफ कैसे करना है आपको, ठीक है। जो गलतियाँ मेरे से हुई हैं वो गलतियाँ आप ना दोहराइए, जो चीज़ें मैंने फेस किया वो आपको फेस ना करें, क्योंकि बिगिनर को काफ़ी जगह दिक्कत हो जाती है और उन्हें पता नहीं होता, और रीज़न मतलब उन्हें पता नहीं होता और उनका ड्रोन या तो गुम हो जाता है या तो फिर कहीं क्रैश हो जाता है। तो गाइस सबसे पहले अगर आप अपने ड्रोन को उड़ा रहे हो, आप बिगनर हो, तो सबसे पहले ट्राईपोड मोड पे उड़ाओ, ठीक है। और ध्यान से कोशिश करो कि रिमोट के पास पे एक स्पोर्ट का बटन होता है, उसको ऑन ना करो, ठीक है। स्पोर्ट्स के बटन ऑन करने से स्पीड ज़्यादा फास्ट हो जाती है और आपका ड्रोन कहीं भी क्रैश हो सकता है अगर आप बिगनर हो तो। सेकेंड चीज़ होती है कि आप अपने ट्राईपोड मोड पर लगाओगे तो ट्राईपोड मोड पर वो स्टेबल रहेगा पूरा एक जगह, ठीक है। और थर्ड चीज़ होती है गाइस कि आपको ये चीज़ का ध्यान देना है कि जहाँ से आप उड़ा रहे हो उसके आसपास आयरन की कुछ चीज़ें, मतलब लोहे की कुछ हैवी चीज़ें ना हो, क्योंकि लोहे की हैवी चीज़ें से उसको दिक्कत देती है। मतलब मैंने फेस किया है, लोगों का पता नहीं, बट मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया है, जहाँ पे आयरन होते हैं मतलब लोहे वगैरह ज़्यादा होते हैं उस वहाँ दिक्कत देता है उड़ने में। और थर्ड चीज़ आपको याद रखनी है गाइस कि टावर, जो सिग्नल टावर है, सिग्नल टावर के नियर मतलब पास से, ज़्यादा भी पास नहीं, मतलब कितना बताऊँ मैं आपको, मतलब एकदम बराबर के आसपास से नहीं लेके जाना उसको, क्योंकि उसके जो सिग्नल है उसको कैच कर लेते हैं और वो फिर डिसबैलेंस हो जाता है, वो गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। और आपका इससे अगला टॉपिक है आपका कि मेरे टेक्स्ट मैसेज तो गाइस इससे अगला जो टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी वायर हर जगह फेस करने को मिलते हैं, और जो हैवी वायर होते हैं वो ड्रोन को अपनी तरफ खींचते हैं अगर उसके आप बराबर से निकाल रहे हो तो। ये मेरे साथ रिसेंटली हुआ था, मैं बनारस था और बनारस में ये मेरे साथ हो चुका था, मतलब बनारस में मैं उड़ा रहा था, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी वायर के पास वो ज़्यादा ही क्लोज आ रहा था। वहाँ पे तो बस ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, पंखड़ियाँ डैमेज हुई थी, यहाँ तो गाइस पूरी पंखड़ी वगैरह सब टूट चुकी है, देख रहे हो ये पूरी पंखड़ी टूटी हुई है, तो ये सब रिप्लेस होगा। अब देखो कितना खर्चा आता है, अब अभी जाऊंगा मैं मार्केट देख के बताता हूँ कितना खर्चा आता है इसका। बाकी प्रॉपर ब्लॉग भी बनाऊंगा मार्केट में कि कहाँ जा रहा हूँ, कैसे है, कितने का है, आप ड्रोन ठीक कहाँ से करा सकते हो अच्छे रेट पर, अच्छी वीडियोस बना दूंगा मैं आपकी। और गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, और हाँ ड्रोन से रिलेटेड कोई भी वीडियोज चाहिए, किसी भी चीज़ के बारे में आपको पूछना है, परचेज के लिए, सेल के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, या किसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे सीधा नीचे इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी है, जाइए वहां से सीधा मुझे इंस्टाग्राम पे बात कर लीजिए, मैं आपको सारी डिटेल समझा दूंगा।